बैक अगेन इट्स मी बाबाई और मेरे साथ है, देख रहा हूँ मेरे पीछे जिम जॉम। हम दोनों चले आए और एक वीडियो में, नया ब्लॉग हमारा पेरिस फूड ब्लॉग नंबर 2। तो अभी हमारा दूसरा पेरिस का फूड ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी, तो उसी के लिए जा रहे हैं हम, मैं और जिम जॉम। देख रहे हो बाहर हमारा, पीछे देखो बारिश हो रहा है। बारिश के लिए भी हम नहीं रुके, बारिश में भी जाएंगे। पहले निकले थे थोड़ा सा भीग गए थे, पर फिर डिसाइड किया भीग के भी हो जैसे भी हो हम जाएंगे, फूड ब्लॉग करेंगे आप लोगों के लिए। खाने के लिए बारिश कुछ नहीं होता। तो शेड के नीचे इंट्रो देके फिर यही बारिश में निकलेंगे हम लोग। तो फिर जाएंगे उधर, जाके आप लोगों को दिखाएंगे सारा कुछ। बेसिकली बहुत दिनों से मैडम डोसा खाने का मन कर रहा था, डोसा मसाला डोसा इंडियन फूड ट्राई करेंगे, मसाला डोसा, तो वही आज खाने जाएंगे। तो दिखाएंगे खाना क्या क्या क्या, क्या खाएंगे। तो सारा कुछ जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा पूरा आखिर तक देखना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना तो भूलना ही नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नया नया वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। देखो प्लेट परोठा, इसके साथ दो पराठा है, 3 टाइप का वेजिटेबल है और 1 टाइप का कोई आप ले सकते हो मटन या कुछ भी, 1 टाइप का मीट ले सकते हो। जिमजम देख सकते हो, जिमजम बारिश में भीग गया था। तो और जिमजम के लिए लिया हमने मसाला डोसा, उसका मसाला डोसा लिया 5.5 यूरो और वो पराठा का प्लेट था 9 यूरो। और एक हमने लिया था छोटा सा एक स्टार्टर, ये है स्टार्टर, इसका नाम क्या है, रोटी या कुछ ऐसा ही है। तो ये मैं ये जो खा रहा था ये था रोटी, इसको पता नहीं रोटी क्या नाम था इसका, रोटी है कुछ देख सकते हो। बहुत ही इसका टेस्ट सिंपल था, कुछ नहीं, बस आलू का थोड़ा स्टफिंग था, जैसे आलू का पराठा था ऐसे ही टेस्ट था। तो अभी देखो, अभी लच्छा पराठा, ये पराठा मेरे को बहुत सही लगा था, बहुत ज़्यादा सही लगा था, देख ही सकते हो आप लोग अभी वो कितना अच्छे से इसका लेयर्ड हुआ था, पूरा लेयर्ड पराठा था, परफेक्ट लच्छा पराठा था। तो इसको मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, देखो आप देख सकते हो दाल के साथ, ये दाल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, आप देख ही सकते हो दाल ठीक ठाक था, नॉर्मल था दाल, पर अच्छा था दाल, सिंपल था। और एक जो है बैंगन का कुछ सब्जी दिया हुआ था इधर, पता नहीं ये क्या था, क्योंकि साउथ इंडियन डिश हमने उतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया हुआ है पहले, तो नॉर्मल था। पर पराठा मेरे को सुपर लगा, बहुत बेस्ट था, इतना सॉफ्ट था, ऊपर से क्रंची भी था, लेयर सारे अच्छे से बने थे। तो और ये देखो जो अभी देख रहे हो, एक सब्जी था वो, ये था कैबेज का सब्जी, ये बहुत ही बेसिक था, नॉर्मली घर में जैसे बनाते ऐसे ही था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं था इस सब्जी में, तो वही था। और वो जो बैंगन का जो सब्जी देखा था, वो बैंगन का सब्जी भी बेसिक ही था पर कैबेज से अच्छा था। तो दाल और बैंगन का सब्जी मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा, नॉर्मल से ठीक लगा, पर वो कैबेज का उतना बढ़िया नहीं लगा। और पराठा तो आपको बोल ही दिया था, पराठा सब बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था पराठा, सबसे बेस्ट। और ये देखो अभी जो ट्राई कर रहा था वो मैंने ट्राई किया था अनियो, मतलब जो है इधर का मटन लैम्ब करी। तो सही बोलना तो लैम्ब करी मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, मैंने उनको बोला था कि लेस स्पाइसी करना, तो लेस स्पाइसी किया था, पर टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आया था। नॉर्मली लैम्ब जो है कम स्पाइसी खाते हैं, तो मैं उस हिसाब से बोला था, पर उतना अच्छा नहीं लगा। अभी ये देखो जो खा रहा हूँ ये सबसे मेरे को बेस्ट लगा, जितना भी खाना खाया। ये एक नॉर्मली एक चटनी था, एक अनियन का चटनी, पता नहीं आप लोगों ने खाया है कि नहीं, अगर आप लोगों ने खाया तो कमेंट करके बोलना अनियन का चटनी कौन कौन खाया। तो ये मेरे को अच्छा लगा। अभी जिम जम के खाने का बारी है, जिम जम खाना ट्राई करके आप लोगों को बोलेगा।
वाला डोसा ट्राई किया था। अभी मैं आपको आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कैसा था। दाल के साथ अभी ट्राई कर रही हूँ मसाला डोसा। ठीक ठाक ही है, नॉर्मली ठीक ठाक है, आप देख ही सकती हो, पर इतना खास भी नहीं है। फिर चलेगी, इंडिया के बाहर बैठे भी इतना किधर मिलता है। फिर भी तो हम इंडिया के बाहर बैठ के भी इंडिया के जैसा स्वाद ले सकते हैं। तो हाँ, दाल सब्जी सब कुछ है इधर, अनियन के चटनी भी है। सबके साथ मैं ट्राई किया, अच्छा है। क्या करूँ, इंडिया का याद आती है तो खाना ही पड़ता है इधर। तो फ्रेंड्स, हमारा खत्म हो गया। क्योंकि बारिश था इसलिए रेस्टोरेंट से निकल के हम लोगों ने आपको रिव्यू नहीं दे पाए। रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा क्राउडेड था तो उधर भी रिव्यू देना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अभी हम निकल के अभी आए हैं। आकर हमने डिसाइड किया कि चलो घर जाने से पहले आप लोगों को बता के ही जाता हूँ कि कैसा था खाना, क्या हुआ। तो बेसिकली ठीक ठाक था, नॉट दैट मच स्पेशल, कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत स्पेशल था। एक्सपेक्टेशन था अच्छा है, उससे भी अच्छा हो, पर उतना अच्छा नहीं था। ठीक था, क्योंकि अभी देखो इंडिया में बैठ के, इंडिया से बाहर बैठ के आप तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि इंडिया जैसा टेस्ट होगा, सेम है ना जिमजम। तो मतलब उस हिसाब से ठीक ही था, वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते पर फिर भी ठीक ही था। मतलब प्राइस के हिसाब से ठीक ही था, प्राइस वाज नॉट दैट मच, तो नॉर्मल था प्राइस। क्वालिटी थोड़ा सा बेटर हो सकता था, समझ में आता है कि बहुत रश है इसीलिए क्वालिटी कभी कभी खराब हो जाता है, हो सकता है, पर ठीक ठाक था। हमारा एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं था कि जैसे बहुत टेस्टी है खाना, ऐसे बिल्कुल नहीं था। तो मां ऐसे नहीं है कि जो पेरिस में रहते उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा 100% जाओ, पर ठीक है, जा सकते हो। जाके ट्राई भी कर सकते हो, इतना बुरा भी नहीं है जैसा खाना खाने के चाहो तो फिर जाना ही पड़ता है। हाँ, तो इंडिया जैसा नहीं है, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। इधर बैठ के इंडिया जैसा खाना कैसे खाओगे आप लोग। तो बस यही कहना था, ठीक ठाक था, नॉट बैड खाना। चलो अच्छा लगा, जग गया। और हाँ, आप लोग जरूर हमें बोलना कि वीडियो कैसा लग रहा है। आप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेगा। तो कैसा लगा हमारा फूड ब्लॉग पेरिस का, हमारा दूसरा फूड ब्लॉग, हमें जरूर कमेंट करके बोलना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, तो बाय, टाटा, अच्छे रहना, मजे में रहना, सब मजा करना और सेफ रहना। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय, एंजॉय।